जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं समास के बारे में चर्चा, जो छत्तीसगढ़ के व्यापम पीएससी या अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इस ये हमारा प्रश्न जो है आपके पीवाईक्यू प्रश्न अर्थात पुराने पूछे गए प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं। और समास से लगभग पिछले 10 साल में 200 से अधिक प्रश्न आए। यदि हम उस 200 प्रश्न को कर लेते हैं, है ना, तो आपके समास से एक भी प्रश्न छूटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आपको बस हम आंसर बता के आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ संभव होगा वहाँ आपको डिटेलिंग भी बताई जाएगी समास की। ठीक है, जहां जरूरत होगा आपको डिटेलिंग भी बताया जाएगा समास का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले आपको समास पढ़ना है। तो समास क्या होता है, इसके पहले हम एक बात पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हम एक बात पर चर्चा करते हैं। मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि राजा का कुमार बीमार है। क्या है? बीमार है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि राजकुमार बीमार है। ठीक है, आपको क्या अंतर दिख रहा होगा? अंतर ये दिख रहा है, देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है राजा का कुमार, सॉरी ऊपर में देखिए राजा का कुमार लिखा हूं और नीचे वाले में लिखा हूं मैं राजकुमार। मतलब राजा का कुमार जो है वो बड़ा वर्ड है ना, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा है, और राजकुमार उसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो समास का मतलब होता है किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप करना, हमारा समास कहलाता है। ठीक है, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो संक्षेपण है, बड़े चीज को छोटा करना समास कहलाता है। ठीक है, इसके डेफिनेशन से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और हम कितने प्रकार से बड़े शब्द को छोटा करते हैं उसी के प्रकार को हम समास के प्रकार के नाम को जानते हैं। वैसे ये हमारा फाउंडेशन क्लास नहीं है, लेकिन जहां आवश्यक होगा आपको जरूर इसकी डिटेलिंग बताई जाएगी। सबसे पहला प्रश्न करते हैं, सहस्त्रासन सहस्त्रानंद किस समास का उदाहरण है? ठीक है, सहस्त्रानंद किस समास का उदाहरण है? अब आपने अभी तक पढ़ा होगा बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद, द्विगु, अव्ययी, ये सब पढ़े हैं। लेकिन देखिए अब इसमें बहुव्रीहि के भी प्रकार आ गए, व्याधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग्य बहुव्रीहि, समानाधिकरण बहुव्रीहि और प्रादि बहुव्रीहि। इसमें से हमारा आंसर जो है वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन तो हमारे पास है समानाधिकरण बहुव्रीहि। ठीक है, समानाधिकरण बहुव्रीहि। वैसे जिन समास जिन पदों का जो समास है साधारणतः लगभग कर्ता कारक होता है, लेकिन जो समस्त पद है आपके कर्म करण संप्रदान इन सब से बनता है, इसको हम कहते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि। वहीं यदि हम तुल्य तुल्य योग्य बहुव्रीहि की बात करें, ठीक है, तुल्य योग्य बहुव्रीहि में लगभग लगभग आपके जो समास पद होंगे इसमें स या फिर सह जुड़कर आता है। उदाहरण के लिए यदि हम मान कर चले तो देखिए उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा सबल। ठीक है, यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि सबल कौन सा उदाहरण है तो वो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि तो है लेकिन कौन सा बहुव्रीहि है, तुल्य योग्य बहुव्रीहि है। ठीक है, अगला इसमें आप देख सकते हैं सहपरिवार, सहपरिवार। ठीक है, तो ये सहपरिवार भी हमारा तुल्य योग्य बहुव्रीहि होगा। अब हम व्याधिकरण बहुव्रीहि के बारे में समझते हैं। व्याधिकरण बहुव्रीहि क्या होता है? इसमें पहला पद जो है ना कर्ता कारक होता है और दूसरा संबंध या फिर अधिकरण हो सकता है। ठीक है, पहला पद क्या होगा? कर्ता कारक होगा, और जो आने वाला नेक्स्ट पद होगा वो आपका संबंध हो सकता है या फिर करण हो सकता है, करण कारक हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो शूलपाणि, सॉरी शूलपाणि, शूलपाणि। ठीक है, ये क्या है? हमारे व्याधिकरण बहुव्रीहि है। उसी प्रकार वीणा पाणि, वीणा पाणि। ठीक है, वीणा पाणि, ये नाम ये वाला ना आ जाएगा वीणा पाणि। ठीक है, या उसके बाद आ जाएगा आपका चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। तो अभी का जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो एडवांस हो गया है, अब आपको अंदर घुस के पूछा जा रहा है। बहुव्रीहि का मतलब यदि आपको पूछेगा तो आप बता दोगे कि कोई ऐसा समास जो किसी तीसरे के बारे में कहा जाता है उसको हम बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न होता है समास के कितने भेद होते हैं? ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के आपके ऑप्शन में उत्तर लिया गया है इसमें, ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं।
ठीक है, छह भेद होते हैं, और कभी कभी यदि ऑप्शन में चार आए तो चार के बारे में भी चर्चा देख लीजिएगा। यदि हम रचना के हिसाब से बोले या सामान्यतः बोला जाए तो समास के चार भेद होते हैं। पहला भेद आ जाएगा जिसके उत्तर पद, उत्तर मतलब होता है प्रथम पद, उत्तर पद प्रधान हो। दूसरा हो जाता है अंतिम पद प्रधान हो, ठीक है। और तीसरा कहा जाएगा कि दोनों पद प्रधान हो, ठीक है। और चौथा ये हो जाएगा कि दोनों प्रधान ना हो, किसी तीसरे के बारे में कहा जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको समास देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको इसमें समास देखने को मिलेंगे। लेकिन अब इसमें आपको यदि कोई नाम पूछ दिया जाए, ठीक है, यदि आपको नाम पूछ दिया जाता है कि वैसे कौन सा समास है जिसके उत्तर पद प्रधान होता है, तो आपको इसमें याद होना चाहिए अव्ययी भाव समास, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास आपके उत्तर, अव्ययी भाव समास के उत्तर पद प्रधान होते हैं। और अंतिम पद प्रधान किसके होंगे, तो अंतिम पद आपके जो प्रधान होते हैं वो आपके तत्पुरुष है, क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं, और इसी तत्पुरुष को वापस हम दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है। कैसे बांट देते हैं दो भाग में, तो ये आपका हो जाएगा द्विगु, ठीक है, द्विगु, और दूसरा हो जाता है कर्मधारय, ठीक है। अब दोनों पद प्रधान कौन से होते हैं, तो द्वंद्व समास जो है, ठीक है, जो द्वंद्व समास है इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं किसके, बहुव्रीहि के, ये हो गया बहुव्रीहि, ठीक है। तो ये कब हम लगाएंगे आंसर, जब आपको पूछा जाएगा कि प्रधानता के आधार पर, ठीक है, प्रधानता के आधार पर। लेकिन हमको प्रश्न पूछा गया समास के कितने प्रकार, केवल और केवल समास के प्रकार पूछेंगे, तो आपको छह लगाना है। लेकिन यदि ऑप्शन में छह नहीं है, चार, तो चार भी लगा सकते हैं। अब आपको छह प्रकार बताएंगे, तो यहीं से आपको पता चल रहा है, अव्ययी भाव एक, तत्पुरुष दो, द्विगु तीन, कर्मधारय चार, बहुव्रीहि पांच, और द्वंद्व समास छह। तो ये छह समासों का हमने आपको नाम बता दिया, ठीक है। डेफिनेशन आगे किसी एक में बता देंगे। बेशक किस समास का उदाहरण है, जो बेशक है वो किस समास का उदाहरण है, तो ये आपके अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब हम एक एक करके इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि केवल PYQ बता रहे हैं और किसी प्रकार की डिटेलिंग नहीं हो रही। हर एक प्रश्न में संबंधित को हम आपको बता देंगे डिटेलिंग, ठीक है। आज किसका आंसर क्या है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास वैसे समास को कहा जाता है जिसका प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, पहला बात। दूसरा बात ये है अव्ययी भाव समास के बारे में कि ये अव्यय होते हैं, अव्यय मतलब जो खर्च ना हो, सीधा मतलब होता है खर्च ना हो, ठीक है। और इसके कुछ यदि आपको ट्रिक जानने होंगे या फिर वैसे चीज जानने होंगे जो आपको याद रहे, तो स्टार्टिंग में आपका भर नीर, मतलब शब्द की स्टार्टिंग में भर नीर बे, यहाँ पे जो लिखा है ना बे, वो हो जाएगा, है ना, उप उप व, या इस प्रकार के आपको शब्द अगर जहां मिले तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है। दूसरी बात, इस समस्त इसका समस्त पद लिंग वचन कारक और काल से प्रभावित, मतलब अव्ययी भाव समास में कोई भी लिंग, ठीक है, लिंग कारक और वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आप इसको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तीन वचन, जितने जैसा आप चाहें वैसा इसको उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक प्रश्न में एक डिटेल करेंगे, अगला प्रश्न में अगले वाले का डिटेल कर देंगे। निम्नांकित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रतिदिन हमारा अव्ययी भाव है, प्रति लगा है, बे खटक लिखा, ये हमारा प्रतिदिन, ये हमारा अव्ययी भाव समास हो गया, और ये हो गया आपका पुष्टास समास, हाँ, पुष्टन पुष्ट, ये आपके अव्ययी भाव समास है। केवल जो आप बीती है ये अव्ययी भाव समास नहीं है। ये आप बीती क्या चीज है, कौन सा समास है आप बीती, तो आप बीती जो है, ठीक है, ये हमारा कौन सा समास है, आप बीती हमारा अधिकरण तत्पुरुष है, है ना, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। तत्पुरुष के बारे में आगे और अच्छे से चर्चा करेंगे, तत्पुरुष क्या होता है, बस फिलहाल इतना जान लीजिए। प्रश्न के हिसाब से हमारा उत्तर होगा आप बीती जो अव्ययी भाव समास नहीं है, ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास है। हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत के व्याकरण के आधार पर हुआ है। स्नेह मग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्या कहा गया है, स्नेह मग्न जो है
किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब हम यहाँ आपको तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। जिस समास के पूर्व पद गौण होते हैं, अभी हमने इस पर चर्चा की है ना, तत्पुरुष समास, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में, तत्पुरुष, ठीक है। टॉपिक नंबर एक है कि इसके जो पूर्व उत्तर पद होते हैं, सॉरी पूर्व बोलता हूँ, जिस समास के पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान होते हैं, उत्तर मतलब बाद वाला, याद रखिएगा, उत्तर पद प्रधान होता है तो पूर्व पद गौण हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, इस तत्पुरुष इस समास के समस्त पद कारक चिन्ह से संबंधित होता है, इसमें कारक चिन्ह वाले उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका होता है कारक चिन्ह, कारक चिन्ह होता है, इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह आपके कर्म से स्टार्ट होते हैं ना, कर्ता इसमें स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। कारक चिन्ह के बारे में यदि हम याद करेंगे तो ये कर्म से स्टार्ट होता है, कर्ता से स्टार्ट नहीं होता। तो कर्म के लिए हम यूज चिन्ह यूज करते हैं, उसका नाम है को। कारक में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहीं से इसको जान लीजिए, ठीक है। कारक में इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे बाद में, फिलहाल आप इतना ही इसमें समझिए। पहला हो जाएगा आपका कर्म, दूसरा हो जाता है आपका, दूसरा हो जाएगा इसमें करण, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इसमें करण, करण का चिन्ह हो जाता है आप इसमें से या द्वारा, ठीक है, से या फिर द्वारा। एक एक इसका उदाहरण भी ले लेते हैं। यदि मैंने कर्म कारक कहा तो कर्म कारक में हो जाएगा मनोहर, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, कहीं ना कहीं को दिख रहा है, ठीक है। करण के बारे में बात करते हैं तो दिख लेते हैं इसमें तुलसी कृत लिख लेते हैं, तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा लिखा गया, तुलसी द्वारा कृत, या हाँ से अभी आ सकते हैं इसमें तुलसी कृत, ठीक है। क्या अब तीसरे के बारे में बात करते हैं, तीसरा हो जाएगा संप्रदान, संप्रदान संप्रदान का चिन्ह हो जाएगा आपका के लिए, संप्रदान का चिन्ह हो जाएगा के लिए। और इसका यदि हम उदाहरण देखते हैं तो यह हो जाएगा आपका गौशाला, गौशाला, ठीक है। गौशाला का मतलब हो जाएगा गो के लिए शाला, गो मतलब गाय, गो के लिए शाला। तो ये क्या हो गया हमारा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। चौथा आपका आता है इसमें अपादान, अपादान तो अपादान का चिन्ह क्या हो जाएगा, अपादान से चिन्ह हो जाएगा से, लेकिन ये अलग वाला का भाव है, अलग होने वाला है ना। तो अपादान का हो जाएगा आपका नेत्रहीन, राजद्रोह या फिर धनहीन, हम धनहीन मान लेते हैं, धनहीन मतलब धन से हीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, धन से हीन। पांचवा तत्पुरुष हम इसमें मानेंगे संबंध वाले, संबंध, ठीक है। संबंध का हो जाता है का के की, संबंध का चिन्ह हो जाएगा का के और की, ठीक है, का के की। उदाहरण के लिए अगर संबंध वाला देखें तो यह हो जाएगा पर देवालय, देव का आलय, कन्यादान या श्रमदान, कोई भी एक ले लीजिए, श्रमदान है ना, श्रम के लिए दान, ठीक है, श्रम का दान या श्रम का दान बोल सकते हैं, श्रमदान, श्रम का दान। उसके बाद आ जाएगा आपका छठवां नंबर अधिकरण, ठीक है, अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में हो जाएगा आपका मे पेपर या फिर मे या फिर पर लिख लीजिए, ठीक है। उदाहरण लिखेंगे तो होगा आप बीती अपने पर बीती, ठीक है, आप बीती अपने पर बीती, मुनि श्री लिख दीजिए, सर्वे आप लिख दीजिए, ठीक है। अब हमारा प्रश्न है स्नेह मग्न, ठीक है, क्या है इसमें, स्नेह मग्न। अब स्नेह मग्न कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अधिकरण, स्नेह में मग्न, ठीक है, स्नेह मग्न मतलब स्नेह में मग्न। तो तत्पुरुष समास के बारे में हमने आपको यहाँ पूरा डिटेल बता दिया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। ये पहला वीडियो है इसलिए आपको डिटेल बताया जा रहा है, सेकंड इसका पार्ट आएगा उसमें आपको इतना डिटेल करके नहीं दिखाया जाएगा। धर्माधर्म में कौन सा समास है, ठीक है, धर्माधर्म में कौन सा समास है। तो धर्माधर्म देखिए, ये वैसे तो द्वंद लग रहा है लेकिन इसमें द्वंद के भी पार्ट आ गए, ठीक है। वैसे तो ये द्वंद समास है लेकिन द्वंद समास में भी आपका पार्टीशन दिख रहा है, मतलब अलग अलग प्रकार के आपको द्वंद दिख रहे हैं, ठीक है। द्वंद समास तो है धर्माधर्म, लेकिन कैसे द्वंद है, ये देखिए हमारे पास तीन धर्म है। अब फिर हम तीनों पर बात करते हैं। ऐतरेय का मतलब क्या होता है, इसको देख लीजिए, जहां दोनों पद में और जुड़ा हो, जहां यदि दोनों पद में धर्म और अधर्म, ठीक है, धर्म और अधर्म अगर हम बोल सकते हैं, लेकिन ये धर्म धर्म है। यदि हम धर्म धर्म का यदि हम वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, समास विग्रह करते हैं धर्म धर्म में, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपके
धर्म या अधर्म हो जाता है। ठीक है, तो इतरेतर द्वंद्व क्या हो जाए, जहां दोनों पद संज्ञाएं हो और प्रधान हो वहां पे क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, इतरेतर द्वंद, जैसे शिव पार्वती हो गया, अन्न जल हो गया, लोटा डोरी हो गया, दाल रोटी हो गया, माता पिता हो गया, लक्ष्मण हो गया, गौरी शंकर हो गया, ये हमारा इतरेतर है। वैकल्पिक का मतलब है कि आपको ऑप्शन दे रहा है, जैसे पाप पुण्य हो गया, रात दिन हो गया, रात या फिर दिन, ठीक है, पाप या फिर पुण्य, देव या फिर असुर, जय या फिर पराजय, हार या जीत, तो ये वैकल्पिक है। तो ये धर्म या अधर्म ये भी आपके वैकल्पिक में आगा आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा समास है, वैकल्पिक द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व भी होता है। समाहार द्वंद्व क्या है, जहाँ दोनों पद में उनके जैसे मतलब लगभग सेम चीज होता है समाहार द्वंद्व में। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं रुपया पैसा, रुपया पैसा, ठीक है, घास फूस, क्या है ये, घास फूस है तो आपके द्वंद, लेकिन कैसा द्वंद है, समाहार द्वंद है, लगभग मिलता जुलता या फिर दोनों पद लगभग लगभग समान होता है, जैसे चमक दमक, बोल चाल, मारपीट, ये हो जाएगा। ठीक है, वैकल्पिक में यदि आप लिखना चाहते हैं वैकल्पिक में और लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा पाप पुण्य, ठीक है, देव असुर हो जाएगा, आग पानी हो जाएगा, आग पानी, इस प्रकार के जो है आपके वैकल्पिक द्वंद कहलाएंगे। अगला प्रश्न, यव जीवन किस समास का उदाहरण है। ठीक है, क्या कहा गया है, यव जीवन किस समास का उदाहरण है, तो ये हमारे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, जो खर्च ना हो। अब कैसे पता चलेगा कि अव्ययी भाव है, तत्पुरुष में क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके कर्ता आपके चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह, तो इसमें कहीं भी कारक चिन्ह नहीं दिख रहा, तो ये हो नहीं सकता। द्विगु समास हमारा संख्यावाची है, आगे पढ़ेंगे, द्विगु समास संख्यावाची है, तो यहाँ तो संख्यावाची कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इस प्रकार से तो ये भी कट गया, बच्चा हमारा अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव समास होगा। कई बार यदि आपको समास पता भी नहीं है तो भी आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से समासिक पद में से अधिकरण तत्पुरुष का चयन कीजिए। अधिकरण हमने क्या पढ़ा है, मे पेपर है ना, अधिकरण मे पेपर, अमचूर, दस्तकारी, कानाफूसी या फिर मनमाना। कानाफूसी को हम बोल सकते हैं कान में फूसी करना, या फिर कान में फूसी, ठीक है, या फिर कान पर फूसी, कान में फूसी, दोनों का मतलब एक ही है ये। और ये हम मे पेपर आपका बताता है अधिकरण को, ठीक है, मे पेपर आपको बताता है अधिकरण को। चलिए, वैसे अगर आमचूर को कहा जाए तो आमचूर को हम कैसे लिख सकते हैं, आमचूर का मतलब होता है आम का चूर्ण, आम का चूर्ण, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संबंध, संबंध हम पढ़े थे ना, तो ये हो जाएगा आपके आम का चूर्ण। ठीक है, अगर मनमाना की बात करें तो मनमाना को हम कैसे लिख सकते हैं, मन के अनुसार, ये अव्ययी भाव है। ठीक है, ये क्या है, हमारा अव्ययी है, मन के अनुसार, ये हमारा अव्ययी समास है। अगला प्रश्न है दस्तकारी। ठीक है, दस्तकारी क्या हो जाएगा, ये हमारा करण तत्पुरुष है, दस्त से कार्य, दस्त से किया गया कार्य, मतलब दस्त से किया गया कार्य, ये हमारा करण तत्पुरुष हो जाएगा। समासिक शब्द नीलपीत कर्मधारय समास के किस विभेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, समासिक शब्द जो है नीलपीत कर्मधारय समास के किस विभेद के अंतर्गत आता है, तो नीलपीत किसके अंतर्गत आ जाएगा, नीलपीत है जो विशेषण विशेषणो भय पद। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये विशेषणो भय पद के अंतर्गत आ जाएगा हमारा नीलपीत कर्मधारय समास। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ते हैं। कर्मधारय समास पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, किंतु इसके दोनों पदों के मध्य आपके विशेषण और विशेष दिखता है। कर्मधारय का मतलब ये होता है कि इसका जो जो प्रथम पद है कहीं ना कहीं आपके दूसरे पद की विशेषता बताने का काम करता है। ठीक है, जिसे हम यहाँ लिखते हैं कमल नयन लिख लेते हैं। ठीक है, कमल नयन, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कमल नयन, मतलब जो आपके नयन है कमल के अनुसार है, मतलब कमल जैसे आपका नयन है सुंदर स्वच्छ। ठीक है, तो जो ये पहला पद है आपके विशेषण पद होते हैं, जो जो विशेषता बताती है दूसरे की, उसी प्रकार से महाकवि, यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया महाकवि, महाकवि का मतलब होता है महान कवि या फिर अच्छा कवि, तो ये कहीं ना कहीं ये जो महा है या फिर महान है ये कवि की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और हम यहाँ लिख के अगर हम मान लेते हैं नील कमल, नील कमल,
तो मतलब ये कमल के बारे में बता रहा है कि कमल नीला है। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जो साम जो उत्तर पद की विशेषता बताए वो कर्मधारय समास कहलाता है। और ये कर्मधारय समास का विभेद है कि विशेषण भेद पद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद समास है, ठीक है, इसमें से कौन सा आपका वैकल्पिक द्वंद समास है। तो वैकल्पिक मैंने आपको बता दिया था, जो आपके विकल्प दित पाप पुण्य हमारा वैकल्पिक द्वंद समास है, ठीक है, पाप पुण्य है जो वैकल्पिक द्वंद समास है। समास का अर्थ होता है संक्षेपण, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। और समास का उल्टा हो जाता है आपका व्यास, ठीक है, समास का उल्टा हो जाता है व्यास। द्वंद समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है, क्या कहा गया है, द्वंद समास के कितने भेद होते हैं, तो द्वंद समास के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, ठीक है। अब द्वंद समास के तीन भेद होते हैं, अब तीनों भेद को हम आपको वहाँ पे बताते हैं कि द्वंद समास के तीनों भेद क्या है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि वैकल्पिक द्वंद, इतरेतर द्वंद और समाहार द्वंद, इससे पहले हमने चर्चा किया था द्वंद में। इतरेतर द्वंद कैसे द्वंद होता है, जिसमें और जुड़ा होता है, जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण, गौरी शंकर, ये आपके इतरेतर हो गए। वैकल्पिक में आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया जाता है, जैसे पाप पुण्य, देवाशु, रात और दिन, आग और पानी, आग या पानी, ठीक है, लाभ या हानि, इस प्रकार से, ठीक है। और जो समाहार द्वंद है, इसमें मिलता जुलता शब्द होता है, जैसे घास फूस, थोड़ा बहुत, चमक दमक, बातचीत, लेन देन, रुपया पैसा, भूल चूक, ये हमारा समाहार द्वंद कहलाता है। लेन देन में कौन सा समास है, ठीक है, लेन देन में कौन सा समास है, तो लेन देन में इतरेतर द्वंद समास है, लेन देन में इतरेतर द्वंद समास है। चारपाई में कौन सा समास है, जो चारपाई है इसमें देखिए, अब हम द्विगु समास के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इसका आंसर द्विगु समास है। सभी समास के बारे में चर्चा कर ली है, द्विगु हमारा बच गया है, ठीक है। तो वैसा समास जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, ठीक है, संख्यात्मक हो, संख्यावाची हो, जिसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रथम पद क्या होना चाहिए आपके, प्रथम पद होना चाहिए आपका, प्रथम पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। जैसे पंचवटी, त्रिफला, नवग्रह, त्रिवेदी, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, पंचवटी हो गया, त्रिफला हो गया, नवग्रह हो गया, त्रिवेदी हो गया, चवन्नी हो गया, चतुर्वेदी हो गया, तिराहा, तिमाहा, जहाँ भी आपको कोई संख्यावाची दिखे वो हमारा द्विगु समास होगा। तो ये हो जाए, देखिए चार में आपका चारपाई में चार दिख रहा है ना, तो ये हमारा द्विगु समास हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, घुड़दौड़ शब्द किस समास के लिए हुआ है, घुड़दौड़ में कौन समास है, तो यह होता है हमारा संबंध तत्पुरुष, घोड़े का दौड़, ठीक है। अगला प्रश्न, यथाशक्ति का सही विग्रह बताइए, तो ये हो जाएगा आपके शक्ति के अनुसार, कैसा हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। नीलगाय शब्द का समास विग्रह क्या होगा, नीलगाय शब्द का समास विग्रह होगा, नीला है जिसकी गाय, बिल्कुल नहीं, नीली है जो गाय, गाय नीला, या फिर गाय का नीला रंग। अब इसको बताना है कि अभी तक आपने जितना पढ़ा इसके हिसाब से आपको ये क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा नीला है जो गाय, ये मतलब नील गाय है ना, कौन सा गाय है। अब यहाँ आप समास बताना है तो ये आपके कर्मधारय समास होगा, क्योंकि नील ये आपके कलर को बता रहा है और ये गाय के कलर को बता रहा है, मतलब गाय की विशेषता बता रही है कि वो नीला गाय है, इसका आंसर हो जाएगा नीली है जो गाय। अन्य पद की विशेषता बताने वाले समास को हम क्या कहते हैं, तो अन्य पद को हम बहुव्रीहि कहते हैं। अन्य पद का मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद को छोड़ के किसी अन्य पद के बारे में बात करें वो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। प्रथम पद किस समास में संख्यावाची होता है, अभी हमने देखा है द्विगु समास में संख्यावाची होता है, ठीक है। समास किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को, तो संधि कहते हैं। दो वाक्यों के मेल को, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास है भाई बहन, आप बीती, नीलकंठ, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आप बीती, ठीक है, अपने में बीती। आप बीती का मतलब होता है आप पर बीती, या फिर अपने में बीती, आप पर बीती, ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास में हमने कारक पढ़े हैं ना, कर्ता को छोड़कर जो जितने भी शेष कारक है वो हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अब भाई बहन की बात करेंगे तो भाई बहन हमारा द्वंद समास है, और द्वंद में भी कैसा है, तो ये इतरेतर द्वंद है, इतरेतर द्वंद है,
है, नीलकंठ कौन सा है? तो नीलकंठ है, नीलकंठ। आप यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है कि आप बोलोगे कि ये नीला स्कंद की कलर को बता रहे, इसके हिसाब से ये हमारा क्या होना चाहिए, कर्मधारय होना चाहिए। लेकिन जब भी कर्मधारय और बहुब्री एक साथ आएगा तब आपको बहुब्री का चरकन है। नीलकंठ किसी व्यक्ति या फिर किसी विशेष के लिए उपयोग किया, जैसे भगवान शंकर के लिए, ठीक है, भगवान शंकर के लिए नीलकंठ को उपयोग किया जाता है। इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, ठीक है, इसको हम बहुब्री समास के अंदर ले जाएंगे। लेकिन साथ साथ नीलकंठ भगवान शंकर के साथ मोर के लिए भी उपयोग किया जाता है। रसोई घर में कौन सा समास है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर हो जाएगा। द्वंद्व समास में दो दो समास होना चाहिए जिसके दोनों पद प्रधान होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। द्विगु समास में संख्यावाची होना चाहिए, इसमें संख्यावाची नहीं है, तो ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, रसोई घर क्या है? तत्पुरुष समास है। और कैसा तत्पुरुष है? ये संप्रदान तत्पुरुष है ना? कैसा तत्पुरुष है? ये संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, अगला प्रश्न, दोनों पदों की प्रधानता किस समास में होती है? तो ये होती है आपके द्वंद्व समास में। ठीक है, तो कर्मधारय में क्या होती है? कर्मधारय में आपको इसमें विशेषता विशेषता बताई जाती है। ठीक है, क्या बताया जाता है? विशेषता बताई जाती है कर्मधारय में। तत्पुरुष में आपके पूरे कारक होते हैं एक से लेकर सात तक। द्विगु समास आपका संख्यावाची होता है। तो इस प्रकार से आपको छोटी छोटी बातों से आप आराम से समास को बना सकते हैं। अन्य पद की प्रधानता किसमें होती है? अभी हमने बात किया है किसी दो पदों को छोड़कर अन्य पद में प्रधानता होती है हमारी बहुव्रीहि समास में। अव्ययीभाव समास हमारे प्रथम पद की प्रधानता होती है अव्ययीभाव में। अगला प्रश्न, नीलकंठ में कौन सा समास है? अभी हमने बात किया था नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। द्विगु समास संख्यावाची होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। तत्पुरुष में हमारा कर्ता कारक होना है, मतलब कोई कारक चीज होना चाहिए, कारक तो इसमें है नहीं, तो आंसर ये नहीं होगा। नीलकमल में कौन सा समास है? कौन सा कमल? नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल, अब देखिए यहाँ पे नीला है कमल, ठीक है, तो कमल की विशेषता बता रही है। विशेषता बताने के लिए हमारे पास है कर्मधारय समास। तत्पुरुष में क्या होता है? आपके कारक में, बार बार याद दिलाऊंगा आपको याद हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में किसी तीसरे के बारे में बात की जाती है, अन्य पद के बारे में। ठीक है, अन्य पद के बारे में। त्रिलोक शब्द किस समास का उदाहरण है? जो त्रिलोक शब्द है, देखिए यहाँ पे संख्यावाची है क्या? बिल्कुल है, तो संख्यावाची से हम जानते हैं द्विगु समास। ठीक है, अव्ययीभाव भाव अलग है, कर्मधारय में किसी चीज की विशेषता बताई जाती है और तत्पुरुष में कारक। मनमाना शब्द किस समास का उदाहरण है? ठीक है, मनमाना शब्द है किस समास का उदाहरण है? तो सबसे पहले आप मनमाना को संधि समास वगैरह कीजिए, तो हो जाएगा आपका मन से माना। मन से माना कि हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म करण ने से द्वारा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। हाथों हाथ में कौन सा समास है? ठीक है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। द्वंद में दोनों प्रधान होते हैं, कर्मधारय में तो क्या होता है, ये आपके किसी गुण को बताता है कर्मधारय, और तत्पुरुष आपके कारक वाले होते हैं। अगला प्रश्न, त्रिफला में कौन सा समास है? है ना, ये जो त्रि दिख रहा है क्या है? हमारे संख्या बता रहे हैं, संख्या मतलब द्विगु। भरपेट किस समास का उदाहरण है? क्या कहा गया है? भरपेट जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो ये आपके अव्ययी भाव को दिखा रहा है। कैसे हमने पता किया? मान लेते हमको पता भी नहीं है लेकिन सबका डेफिनेशन पता है। द्विगु में आपका संख्यावाची होना चाहिए, ठीक है, कर्मधारय में किसी चीज़ का विशेषता बताना हो, जिसमें विशेषता तो बता नहीं रहा है। ठीक है, तत्पुरुष में कारक वाला होना चाहिए। अब ये भरपेट का मतलब होता है जो खत्म ना हो या फिर अव्ययी भाव, ये हो जाएगा आपका भरपेट अव्ययी भाव। कर्मधारय समास कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, क्या कहा गया है? कर्मधारय समास जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो कर्मधारय समास जो है चार प्रकार के होते हैं। अभी तक आंसर चार प्रकार लिया गया है। प्रयोग की दृष्टि से समास में कितने भेद किए जा सकते हैं? प्रयोग के आधार पर, जैसे प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों में से कोई नहीं प्रधान, तो इस प्रकार से हम इसको चार भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, चार भाग में बांट सकते हैं। आगे देखते हैं, देशांतर में कौन सा समास है?
रखा गया है देशांतर में कौन सा समास है। ठीक है, चलिए इसको उत्तर देखते हैं, देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में आपके कर्मधारय समास है। ठीक है, इस कर्मधारय इसमें कहीं ना कहीं आपको इसकी क्वालिटी बताई जा रही है। अब नहीं पता तो कैसे करेंगे, द्विगु हमारी संख्यावाची है, इसमें कहीं संख्या दिख नहीं रहा है। द्वंद में कोई दो चीज़ होना चाहिए जिसमें स्पेस या फिर और या फिर या लगा होना चाहिए, तो ये भी नहीं हमको दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तत्पुरुष में कारक वाला होना चाहिए, कारक इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार के हमारा एलिमिनेट करने के बाद भी हम कर्मधारय समास को सही उत्तर लगा सकते हैं। सर साल दर साल, साल दर साल में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, ओवन तेल किस प्रकार का समास है। क्या है, ओवन तेल किस प्रकार का समास है। तो ये हमारे तत्पुरुष समास होते हैं, ओवन के लिए तेल। ठीक है, द्विगु संख्या होना चाहिए, द्वंद में क्या होना चाहिए, दोनों पद होना चाहिए, बहुपरी में किसी तीसरे पद के बारे में बात की जानी चाहिए। इस शब्द में ऐसा कुछ लक्षण नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, हमने इसके सबसे वीडियो के पहले में बता दिया था इसके बारे में। तो अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। अगला, यह साधन अत्यंत कष्ट साध्य है। ठीक है, वाक्य के रेखांकित समस्त पद में कौन सा समास होगा। वाक्य के रेखांकित में कौन सा समास होगा, तो ये आपके करण तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास है। मदमाता समास का सही विग्रह बताइए, मदमाता समास का विग्रह बताइए। मद से माता, मद से माता, कहाँ पे, ये हो गया मद से माता। हरफन मौला कौन सा समास है, हरफन मौला तत्पुरुष समास है, हरफन मौला तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो आज हमने 41 समासों पर चर्चा किया है, इसके बाद एक से दो वीडियो और आएंगे जिसमें शेष जो जितने भी समास पूछे गए हैं व्यापम में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।